लड़कियों के साथ शॉपिंग करना मतलब बहुत बड़ी मुसीबत का काम होता है। मुसीबत? लड़की? बीवियों में तुम्हारी? एक तो इतनी मुश्किल से शॉपिंग करने आते हो, ऊपर से बकबक करते हो। ओके, आई एम सॉरी, रिलैक्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस। भाई, वो दुकान का है जहाँ हर समस्या का समाधान होता है, इसी मॉल में है ना वो दुकान? वाओ प्रीतम, ये साड़ी देखी है, कितनी अच्छी है। है पर क्या सुंदर नहीं है? ठीक है, लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। नॉटी फ्लर्ट, बीवी से फ्लर्ट करते हो। चलो ऐसे निकालो, आज मैं तुम्हारा बहुत खर्चा कराने वाली हूँ। जान, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? मेरे लिए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं? ये नहीं भैया, वो ग्रीन वाली। जान, हाँ? सच में जेब खाली कराओगी क्या? शरद, सुनो। हाँ? तुम शॉपिंग करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? बस 2 मिनट, 2 मिनट। शरद, शरद, कैसा है यार तू? और बता, कहाँ है तू? ये क्या हालत बना दी तूने अपने आप की? हाँ, क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे जाना है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जाना है? कहाँ जाना है? मुझे वो दुकान ढूंढनी है। तू जानता है वो दुकान कहाँ है? कौन सी दुकान ढूंढ रहे थे? इससे पहले कि वो लोग मुझे ढूंढे, मुझे वो दुकान ढूंढनी पड़ेगी यार। कौन लोग तुझे ढूंढ रहे शरद? तू नहीं समझेगा यार। अरे लेकिन क्यों नहीं समझूंगा मैं? कम से कम समझाने की कोशिश तो कर। मैं तुझे कुछ नहीं समझा पाऊंगा, मुझे वो दुकान ढूंढनी है। कौन सी दुकान? तू क्या बात कर रहा है? मैं कुछ नहीं समझा। कैसे हो शरद, जाने की तैयारी पूरी हो गई क्या? अब तो हम रोज मिलेंगे। क्या हुआ शरद, तू इतना डरा हुआ क्यों? ये कौन था? कौन है ये? चंद्रकांत। ये चंद्रकांत था। था मतलब? नाम बदल लिया क्या उसने? इस आदमी की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी, एक्सीडेंट में ये मारा गया था। क्या? ये तू क्या कह रहा है? तू कह रहा है कि ये आदमी मरा हुआ है? हाँ। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझसे पूछ रहा था कि चलने की तैयारी हो गई। मुझे जल्द से जल्द वो दुकान ढूंढनी पड़ेगी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जाना है। अरे क्यों वक्त कम है? तुम शरद नहीं, शरद शरद बात क्या है? शरद शरद कुछ नहीं, मेरे कॉलेज का दोस्त था। ओके। पता नहीं उसे क्या हो गया, he's just acting weird. Anyways, तुम्हारी शॉपिंग हो गई? हाँ, मेरी शॉपिंग हो गई। शरद, ये कैसे हो गया? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ शरद, बोल बात क्या है शरद? वो शरद किसने किया ये? नहीं, शरद
गए। Are you okay, अनीता? क्या बात है? तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली बोला? करण बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? प्रीतम कहाँ है? अंदर है, कमरे में। कमरे में? लेकिन बात क्या है? उनकी हालत बहुत खराब है करण। बीमार है? पता नहीं, कुछ तो हुआ है उन्हें। ये कैसी आवाज़ है? प्रीतम की है। खुद को बंद करके बैठे कमरे में, ना बात करते हैं ना बाहर आते हैं। बाहर आती है तो उनके सिर्फ दर्द भरी आवाजें हैं। घबरा मत, सुनो प्रीतम, प्रीतम मेरी आवाज सुन रहे हो? दरवाजा खोलो। मैं करण यार तुम्हारा दोस्त, दरवाजा खोलो। आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? अगर इतना दर्द है तो बाहर क्यों नहीं आते? प्रीतम एक बार दरवाजा खोलिए। हाँ प्रीतम, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। दरवाजा खोलो। हाथ मत लगाना मुझे। पर क्यों करना? क्या हुआ? हाँ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाथ मत लगाना मुझे। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ प्रीतम। नहीं प्रीतम, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। करण, करण दरवाजा मत खोल। प्रीतम, प्रीतम, प्रीतम तुम कहाँ हो? कहाँ हो? माय गॉड, ये क्या हो गया तुम्हें प्रीतम? ये कैसी हालत हो गई है? लगता है हमें प्रीतम को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। चलो प्रीतम, चलो। कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है मुझे। कुछ तो करो करण, प्लीज इन्हें ले चलो। प्लीज हेल्प मी। घबरा मत प्रीतम, तुम हमारे साथ चलो। हम तुम्हें कहीं ना कहीं तो लेकर जाते हैं। प्रीतम हमारे साथ चलो, यहाँ छुप कर बैठना क्या फायदा? ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ना छुप कर ले जाओ, वरना वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। बोलो कौन लोग? मैंने आपको फोन किया था बाबा, प्लीज हमें बचा लीजिए बाबा, हमारी मदद कीजिए। घबरा मत, ठीक करते हैं। बैठा इनको। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। बैठ जाओ गुरुजी, सब ठीक करते हैं। बैठो गुरुजी, आप लोग वहां पर जाकर बैठिए। ये चेहरा छिपा क्यों रखा है? वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे ना, इसलिए। कौन? तुम नहीं समझोगे। अच्छा हटाओ इसे। मैं नहीं हटाऊंगा। मैं देख लूंगा, घबराओ मत। प्रीतम कपड़ा हटा दो प्रीतम, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। घबराओ मत, मैं देख लूंगा सब। दो कपड़ा। ये हाथ ढक क्यों रखा है? कुछ नहीं, हाथों में बहुत दर्द है, और अगर नहीं ठीक होगा तो लोग आ जाएंगे। दिखाओ मुझे, मैं देख लूंगा उन लोगों को। दो। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। तुम हाथ दिखा दो। तुम कौन मार डालेगा तुम्हें? दिखाओ गुरुजी को, दिखाओ। प्रीतम दिखाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा?
दिखाओ। कोई आ जाएगा? कौन आ जाएगा प्रीतम? अपना हाथ दिखाओ। हाथ दिखाओ, डरो मत। देखो 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 देखो। मैंने कहा ना बाहर कोई नहीं है, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। हट जाओ, ना मत, मैं हूं ना। ये क्या है? ये क्या तुम्हारे हाथ में? क्या हुआ गुरुजी? आप क्यों चिल्ला रहे हैं गुरुजी? क्या हुआ? इसे ले जाओ, लेके जाओ उसे यहाँ से। मैंने ऐसी भयानक चीज आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी मैंने ऐसी भयानक चीज। गुरुजी, प्लीज बचाइए ना। इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता इसकी मदद। इसको ले जाओ, ले जाओ इसको यहाँ से, इसको ले जाओ, ले जाओ इसको। हर दुख का इलाज होता है, कोई भी दुख इससे परे नहीं होता, लेकिन वो इलाज यहाँ नहीं, हमारे अतीत में छिपा है, हमारी पिछली जिंदगी में। और हमें कि उसे यहाँ ढूंढते रहते हैं। अभी भी कुछ आवाजें मुझे बुलाती रहती है, बिना बात के मुझे पुकारती रहती है, मेरे पास अपने साथ आने को कहती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या ये आवाजें मेरी अतीत से जुड़े हुए हैं? देखो यामिनी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो एक आवाज जो तुम्हें सुनाई देती है वो तुम्हारे अतीत से है, और उस अतीत को ढूंढने के लिए तुम्हें उन शक्तियों को और भी करीब से जानना होगा। कुछ दिन पहले वो मुझे दिखी थी। कौन? वही जो मुझे बुलाती है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है ना? हाँ, पर आपको कैसे मालूम? वो तुम्हारी अंतरात्मा नहीं है। तो कौन है वो? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन है वो? वो तुम्हारी जुड़वा बहन है। मेरी जुड़वा बहन? ये आप क्या कह रही है? नहीं, मेरा तो बस एक छोटा भाई है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे असली माँ बाप हैं? मतलब क्या मतलब है आपका? कि मैं? मेरा गणित ये कहता है यामिनी कि इस धरती पर अब तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं है। और जिन नेक लोगों के साथ तुम रहती हो ना, उन लोगों ने तुम्हें सहारा दिया है, जन्म नहीं। क्या यामिनी, तुम्हारी जुड़वा बहन ढूंढ रही है तुम्हें, आवाजें दे रही है, तुम तक पहुंचना चाहती है। मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। तुम उससे ना ही मिलो तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तरह नेक नहीं है, उसके पापों का घड़ा इतना बड़ा है कि उसका कोई अंत नहीं है। ये आप क्या कह रही है? हेलो। हाँ राघव। और फिर मैंने उसका हाथ देखा, एक ऐसी चीज मुझे दिखाई दी उसके हाथ पे जिसे किसी इंसान ने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं देखा होगा। क्या था उसके हाथ में? डर के मारे कांपने लगा था मैं। ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। आखिर था क्या वो, ये तो बताइए।
एक लड़की का चेहरा। औरत का चेहरा हाथ पे, मतलब कोई टैटू था? नहीं, टैटू नहीं था वो, टैटू नहीं था वो, वो चेहरा खाल के नीचे से ऊपर आ रहा था। जिंदा था वो चेहरा, जिंदा था। चेहरा जिंदा था? ये आपको कैसे मालूम हुआ? बहुत तकलीफ में थी वो लड़की, खून के आंसू रो रही थी, खून की बूंदें निकल रही थी उसकी आंखों में से। आपकी आंखों के सामने? हाँ, और तब से मुझे भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, दर्द में चिल्लाते हुए लोगों की आवाजें, न जाने किस भाषा में बात करते हैं वो लोग। इतनी जल्दी डर गए, अभी तो कई चीखे सुनने बाकी है। उस आदमी का हाथ देखो जाके, देखो वो रोता हुआ चेहरा अभी भी है क्या हाथ पे? क्या नाम बताया था आपने उस आदमी का? प्रीतम। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? लगता तो ऐसा ही, लेकिन फिर भी अपने कैमरा ऑन कर लो। बेचारा प्रीतम बहुत ही अच्छा आदमी था। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, कुछ ही दिन पहले मिला था। बेचारा अच्छा आदमी था। क्या हुआ प्रीतम को? कल रात मौत हो गई उसकी। अब क्या करें? हम तो आए थे यहाँ प्रीतम के हाथ की शूटिंग करने के लिए, मगर हाथ तो चद्दर के अंदर है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी देर बैठते हैं, लाश को जब शमशान ले जाएंगे तो शूटिंग करने की कोशिश करेंगे। Oh.
यामिनी, तुम यहीं रुको। प्रीतम के हाथ की शूटिंग करने की कोशिश करो। हम पता लगा के आते हैं। चलो। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रीतम मर चुका है। उसकी आत्मा नहीं हो सकती। ये मेरा वहम है। मेरा वहम है ये। वो यही थी मैं सच कह रहा हूँ। वो यहाँ पर खड़ी थी। मेरा दोस्त प्रीतम वो अंदर था। वो मुझ पर हंस रहा था जोर जोर से। पर प्रीतम तो अंदर मरा पड़ा है। हाँ वो मरा है पर उसकी आत्मा मुझे देखकर हंस रही थी। जोर जोर से मैं कसम खाता मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो वहां था और वो यही खड़ी थी। वो मुझे प्रीतम मर चुका है। अंदर कोई नहीं था। कोई नहीं था अंदर। I'm sorry. वो शायद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। I'm really sorry. तुम्हें क्या लगता है अर्श, क्या इसे वाकई में प्रीतम की आत्मा दिखी होगी? शायद, पता नहीं। चला गया वो? हाँ चला गया। बहुत घबराया हुआ था बेचारा। तुमने प्रीतम के हाथ की शूटिंग की? हाँ, पास से की। पर उसके हाथ पे कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखा? लेकिन उस दिन तो गुरुजी ने कहा था कि प्रीतम के हाथ में उन्होंने एक लड़की का चेहरा देखा था। अभी पूछ लेते गुरुजी से। हेलो हेलो मुझे गुरुजी से बात करनी है। वो नहीं। कहाँ गए? वो अस्पताल गए हैं। क्यों? वो बीमार हो गए हैं। उनके हाथ में बहुत तेज दर्द था। कौन से अस्पताल में? इस दर्द का कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, और सहन नहीं होता है। यहाँ पे दर्द है। चेहरा किसका? कौन सा चेहरा? मेरी हथेली पर। मेरी हथेली पे कोई चेहरा नहीं।
चेहरा है जो कैसी आवाज है? अरे कौन किस बात का? तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इसीलिए तू तो मारेगा, जो भी मारे हट करेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। अकल हो तो क्या? वार्ड बॉय माफ कर दो, मैं इसे नहीं मारना चाहता था, पता नहीं ये कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? आगे मत, आगे मत बढ़ना, कदम छोड़ना। क्लिनिक तो ये लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? एक मिनट, खून डॉक्टर के आप में इंजेक्शन, लेकिन डॉक्टर को मारा किसने होगा? गुरुजी भी दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी कहीं उनको कुछ कुछ हो तो नहीं गया? मम्मी जरा गुरुजी को फोन लगा के देखो। हाँ। फोन की आवाज तो यहीं कहीं से आ रही शायद। मुझे लगता है इन सब मौतों का संबंध हाथ से। हाथ से कैसे? देखो ये सब कहां से शुरू हुआ? जब गुरुजी ने प्रीतम के हाथ में एक लड़की का चेहरा देखा, राइट? राइट। और प्रीतम के हाथ में भी तो दर्द हुआ था, इसीलिए तो गया था वो गुरुजी के पास। इससे पहले कि हम प्रीतम से मिल सकते हैं वो मारा गया। और जब मैंने गुरुजी के घर पे फोन किया तो उसके आदमी ने मुझसे कहा कि गुरुजी के हाथ में दर्द है, इसीलिए वो हॉस्पिटल गए और फिर गुरुजी की भी मौत हो गई, साथ साथ उस डॉक्टर की भी मौत हो गई जिसके पास वो गए थे ट्रीटमेंट के लिए। पर प्रीतम का हाथ मैंने देखा था, कोई चेहरा नहीं था उसके हाथ पे। यार यही तो समझ में नहीं आ रहा, जब चेहरा था ही नहीं हाथ पे तो फिर गुरुजी ने ये बात कही क्यों हमसे? चेहरा बना था चेहरा, बस हमें दिखाई नहीं दिया। अगर प्रीतम और गुरुजी जिंदा होते तो कुछ पता चल सकता था उस हाथ पे बने चेहरे के बारे में। अगर प्रीतम और गुरुजी की मौत के साथ साथ
ये हाथ का भी सीक्रेट हमेशा के लिए चला गया। हवेली तो वाकई बड़ी शानदार है। बनाने वाले ने भी किस कशिश से बनाई है। कोई है? जरा जोर से खड़काओ। लगता कोई है नहीं। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई ना कोई अंदर रहना चाहिए। कोई है? ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया यार? ये अंधेरा अपने आप कैसे हो गया? अरे यार कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो अंदर चलो। अरे कोई टॉर्च लेकर आया साथ में क्या? अरे यहाँ क्या पता था कि दिन में रात हो जाएगी। अरे यार अजीब पहेली है यार, अजीब अजीब चीजें हो रही है। ये देखो एक अचानक अंधेरा हो गया। और ये दरवाजा अचानक खुलता है अचानक बंद हो जाता है यार। ये मैंने कहा था ना यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ आत्मा है। अरे जा जा देख कहीं स्विच वगैरह होगा, लाइट ऑन कर ढूंढ। हाँ हाँ लामी से पहले इस हवेली की सफाई करनी पड़ेगी। सो तो है, चलिए ऊपर देखते हैं। इतनी बड़ी हवेली है, इतने रूम, जितना फर्नीचर, देखते हैं क्या बनती है नीलामी। हाँ चले चलिए चलिए चलिए। अरे ये कौन है? ए रिकॉर्ड में जिसके बारे में लिखा था शायद वही आदमी है। अरे निकाल इसको बाहर। ए चल उठा उठा उसको। ए ए ए उठ ले उठ उठ चल 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 मेरा घर कहता है कि इस धरती पर अब तुम्हारे मां-बाप
जिंदा नहीं। और जिन लोगों के साथ साथी रहती हूँ उन लोगों ने सहारा दिया। जन्म नहीं, वो तुम्हारी अंतरात्मा नहीं, वो तुम्हारी जुड़वा बहन है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। हाय दीदी। श्योर श्योर, ऑफ कोर्स यू। ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबू। क्या बात है बेटा? यामिनी, तुम नाश्ता क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं पापा। पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। मैं कौन से शहर में पैदा हुई थी? पंचगढ़। नासिक। वो क्या है ना, मैं चाहती तो बहुत थी कि तुम पंचगनी में पैदा हो, लेकिन तुम्हारे पापा नासिक में थे तो तुम नासिक में पैदा हुई। ओ, नासिक में। कौन सा हॉस्पिटल था पापा? पापा, मैंने आपसे कुछ पूछा, कौन सी हॉस्पिटल में? क्यों बेटा, ये सब अचानक क्यों पूछ रही हो? आज तक ये बात तो इस घर में निकली नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं ऐसे। अरे सुन बेटा, नाश्ता। पता नहीं क्या हो गया इसे। इसे कहीं इस बात के बारे में पता तो नहीं चला? करण ने भी प्रीतम का हाथ पकड़ा था, यानी कि अगर ये मौत हाथ के छूने से फैल रही है तो शायद करण की मौत आती ही होगी। बता सकता है कि हुआ क्या था? इंग्लिश का प्रोफेसर है यहाँ पर, शायद अपनी क्लासरूम में हो। चलो देखते हैं। विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक इंसान को अपने आप पर कितना तरस आ सकता है, उसके अंदर की आग उसे किस हद तक जला सकती है, इस पर एक टिप्पणी है। आत्मग्लानी यानी कि गिल्ट, ये गिल्ट ही वो ये क्या मतलब इसी है? तुम सब लोग ने मिलकर प्लान किया ना, ये सबने मुंह पर खून कैसे लगा दिया? मैं प्रोफेसर के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, तुम सबकी खैर नहीं।
इन्वेस्ट। ये सब अब लगता है ये आवाज मां से। सर सर करण सर एक मिनट रुक जाओ। करण करण उठो करण करण राघव उसके हाथ को मत छूना। उठाओ इसे उठाओ। मेरा हाथ डॉक्टर डॉक्टर कुछ करो। मैं ऐसा नहीं जी सकता डॉक्टर कुछ करो डॉक्टर। नर्स ये बी मेटर टेबलेट्स हर 3 घंटे मैंने देती रहना। तुम जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो मैं पल्स चेक करता हूँ। कितनी बार आपसे कहना पड़ेगा डॉक्टर कि इसके हाथ को मत छूना। आप समझते क्यों नहीं हर्ष। डॉक्टर साहब प्लीज। कमाल है अजीब है आप लोग। इलाज भी करवाना है और हाथ छूने भी नहीं देते। ठीक है जो करना है करिए लेकिन इतना याद रखिए ये अंधविश्वास मैं यहां पर चलने नहीं दूंगा। आप प्लीज इन्हें यहां से लेके जाइए। आप हर किसी को करण का हाथ छूने से मना क्यों कर रहे हैं? सब कुछ बता देंगे हम आपको सब कुछ पर पहले आप हमें ये बताइए कि पिछले 1-2 दिनों में आपने करण का हाथ छुआ था? नहीं पिछले 1 हफ्ते से तो मैं पुणे में थी। आप लोगों ने फोन किया बस अभी आई हूँ मैं। डॉक्टर को बुलाओ। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। करण डॉक्टर तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर नताशा नताशा कुछ करो मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। डॉक्टर को बुलाओ मेरा डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। डॉक्टर डॉक्टर अरे जरा प्लीज डॉक्टर को बुला दो। डॉक्टर डॉक्टर कुछ करो मेरा हाथ। इसके हाथ को कोई नहीं छुएगा।
खाना खाओगे? डरो मत, बैठो, बैठ जाओ। घबराओ मत, बैठो। शुरू करो। अंकल, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। आप इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रहता, मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। कहाँ है वो? तुम्हारे सामने ही तो बैठी है, सौसिया। अरे खाना तो खाते जाओ। चला गया। तुम भी जा रही हो? करण, ये वही औरत, वही अंग्रेज औरत। कौन सी औरत? वही औरत जो मुझे उस दिन प्रीतम के घर के बाहर दिखी थी, ये वही औरत है, वही औरत है ये। वो गुरुजी, वो गुरुजी भी यही कह रहे थे ना कि उन्होंने प्रीतम के हाथ पे एक औरत का चेहरा देखा था। कहीं वो? ये तभी से शुरू हुआ जब मैंने उस दिन प्रीतम का हाथ पकड़ा था, तभी से मुझे मूर्तें दिखने लग गए, अजीब अजीब आवाजें आने लग गई, और मेरा ये हाथ इतनी जोर से दर्द होने लग गया। क्या हो गया मुझे? डॉक्टर, आप कुछ करते क्यों नहीं? बचाओ मुझे। ऐसा तो कुछ कीजिए। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, आप ही मुझे बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब वहां क्या है? वहां वो औरत कहाँ है? औरत वही अंग्रेज औरत, वो देखो, वो आकर ये देखो, मुझे मार डालेगी। लेकिन कैमरा में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो औरत? ये किससे डर रहे हैं आप? वही औरत है वापस। मुझे बचा लो प्लीज। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? बचाओ मुझे। नहीं, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? नहीं, मुझे मत मारो मेरे करण को छोड़ दो। तुम जो भी हो मेरे करण को छोड़ दो प्लीज। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे मैं तो किसी राजकुमार अभिमन्यु को नहीं जानता। क्या कहा इसने? राजकुमार अभिमन्यु, मतलब ये मौत है किसी राजकुमार अभिमन्यु की वजह से हो रही है। पर आखिर कौन हो सकता है ये राजकुमार अभिमन्यु, और ये अंग्रेज औरत से उसका क्या लेना देना?
कुछ साल पहले प्रीतमगढ़ में सौस्या नाम की एक इटालियन औरत घूमने गई थी। वहां के राजकुमार अभिमन्यु से उसे प्यार हो गया। चोरी चोरी दोनों ने शादी कर ली, पर राजा चाहता था कि राजकुमार अभिमन्यु की शादी राजकुमारी देवयानी से हो। इसीलिए राजा ने राजकुमार को किसी काम के बहाने से बाहर भेज दिया और इटालियन औरत सौस्या को किसी कब्रिस्तान में दफना दिया। तो ये बात है, मतलब कि वो सौस्या का ही चेहरा जो लोगों के हाथ पे आता रहता है, और वो सौस्या की आत्मा है जो लोगों को मार रही है। लेकिन उसने प्रीतम करण जैसे लोगों को क्यों मारा? वो लोग तो मासूम लोग थे ना, धोखा तो राजा ने दिया था। लेकिन ये आत्मा हाथ पे ही क्यों आती है? ये हाथ वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। ये देखो, यहाँ पे लिखा है कि राजा ने पहले उसे बेहोश किया था, उससे हाथ मिलाकर। हाथ मिलाकर बेहोश? राजा ने अपनी अंगूठी पर जहर लगा रखा था। जैसे ही सौस्या ने राजा से हाथ मिलाया तो जहर के असर से वो बेहोश हो गई, और बेहोशी का फायदा उठाकर राजा ने हाथ मिला के सौस्या के साथ धोखा किया। उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि वो हाथ दोस्ती का नहीं था, और इसीलिए शायद ये मौत का खेल हाथ मिलाने से फैल रहा है। इस इटालियन औरत की आत्मा को अगर हमें कैमरा में लाना है तो हमें वही जाना होगा, प्रीतमगढ़। यामिनी, तुम्हें लगता है कि राजकुमार अभिमन्यु अभी भी होगा वहां पे? शायद हो। अगर वो वहां होगा तो आत्मा भी उसके आसपास ही होगी। की हालत देख के तो नहीं लगता कोई रहता होगा यहाँ, वो भी राजकुमार। राजकुमार अभिमन्यु से मिलना चाहते हैं। मैं ही हूं अभिमन्यु। तुम लोग हवेली को नीलाम करने आए हो? नहीं तो हम सौस्या के बारे में पूछना चाहते हैं। सौस्या? क्या काम है उससे? हम ये जानना चाहते हैं कि सौस्या की मृत्यु कब हुई। किसने कहा तुम्हें उसकी मौत हो चुकी है? वो जिंदा है, यही ऊपर अपने कमरे में।
du her? Du hättest mich in Ruhe lassen sollen. Abhimanyu und ich, wir bleiben zusammen. Ich will alles. Ich will alles und ihn. Raka? Raka! Kya hua? Baat kya hai? Harsh? Sochya. साजिया, ये लोग क्या कह रहे हैं? मेरे बाप अंगद ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसका बदला तुम इन लोगों से ले रही हो। क्यों तुम मासूम लोगों की जान ले रही हो? जवाब दो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जब मैं तुम्हारी मौत के बावजूद तुम्हारे साथ रह सकता हूं तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? Nicht verschonen. Abhimanyu bleibt für immer bei mir. Dieser Kreis wird hier heute kein Ende finden. ठीक है. अगर यही तुम्हारी जिद है, तो बस. आज से तुम्हारा और मेरा साथ खत्म. मैं अभी जाकर वो अंगूठी निकालता हूँ, जिससे मैंने तुम्हें अपना बनाया था. जल्दी से अपने कैमरे चेक करो, देखो कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं. सौसिया के अलावा सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है. तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हमें भी अभिमन्यु के पीछे जाना होगा कब्रिस्तान में. वो देखो, राजकुमार अभिमन्यु. राघव, यामिनी, अपने कैमरे ऑन रखना. अब शायद यह हमारा आखिरी मौका होगा सौसिया की आत्मा को रिकॉर्ड करने का. चलो. समझ में आया, पिता की मौत के बाद उनके मंत्री भी एक के बाद एक क्यों मर रहे हैं. हाथ के जरिए फैला रही है वो ये मौत. उसने ये सब मेरे लिए किया ना, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने से दूर कर दूंगा. उतारकर ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म. अभिमन्यु, वो आ रही है. जल्दी से अंगूठी निकालो, वो आ रही है. अगर उसने तुम्हें मार दिया तो फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा ये मौत का खेल. नहीं निकल रही अंगूठी, नहीं निकल रही है. ये लो, इसे काटो.
भी हमें जुदा नहीं कर पाई, पर अब हम हमेशा के लिए बिछड़ गए। राघव, राघव चेक करके देखते हैं कि कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। यस, फाइनली। कैमरे में रिकॉर्ड हो गई वो औरत। बिना रिकॉर्ड किए आज तक कभी टेप दी है हमने? इसी तरह मन लगा के काम करते रहे तो बहुत जल्द तुम लोगों को भी वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। चलो अच्छा हुआ, सौसिया तो मुक्त हो गई। कब से भटक रही थी बेचारी। ये लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने मुक्त करा दिया आत्मा को, इन्हें क्या पता कि अब वो बेचारी और भी तड़पेगी। लो।